हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं ग्लास बॉटल आर्ट, जिसमें हम 3D आउटलाइनर और ग्लास कलर्स का यूज़ करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ले लेंगे एक CD मार्कर। तो इसमें हम डिज़ाइन देने वाले हैं एक फिश एक्वेरियम का। तो हम मार्कर से कुछ इसमें फिशेस बना देते हैं, और जो जिस तरीके का डिज़ाइन होता है एक्वेरियम का, उस तरीके से हमें इसमें पूरा ड्रॉ करना है। तो इस तरीके से हमने पूरा ड्रॉ कर लिया है। अब हमें इसमें यूज़ करना है 3D आउटलाइनर, जिसमें मैं ले लूँगा सिल्वर कलर का एक 3D आउटलाइनर जो फेविक्राइल का है। ये 25 रुपीज़ की बॉटल आती है, ये आप लोकल मार्केट से भी ले सकते हैं, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, तो आप वहाँ से भी बाय कर सकते हैं। तो जो जो हमने इसमें डिज़ाइन बनाया है फेस का, वहाँ पर मैं सिल्वर 3D आउटलाइनर का यूज़ करने वाला हूँ। डार्क ग्रे 3D आउटलाइनर जो मैंने नीचे रॉक्स बना रखे हैं सर्कल शेप में, वहाँ पे मुझे डार्क ग्रे का यूज़ करना है। जो ये ग्रे है, ये डार्क होने के बाद ये ब्राउन जैसा शेड हो जाता है, इसलिए मैं इस ग्रे का 3D आउटलाइनर का यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं यूज़ कर रहा हूँ ग्रीन कलर का 3D आउटलाइनर, जो इसमें मैंने लीव्स बना रखी हैं, उन लीव्स में मैं ग्रीन कलर का ही 3D आउटलाइनर का यूज़ कर रहा हूँ। उसमें जितना भी 3D आउटलाइनर का वर्क था वो कंप्लीट हो चुका है। जो ये 3D आउटलाइनर होते हैं, ये 30 मिनट्स में ड्राई हो जाते हैं, तो उसके बाद ही हमें इसमें ग्लास कलर्स को अप्लाई करना है। देखिए, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब हम बॉटल में ग्लास कलर्स का यूज़ करते हैं, तो जब तक आपका ग्लास कलर हल्का सा ड्राई नहीं हो जाता है, तब तक आपको बॉटल को टर्न नहीं करना है। जैसे जिस पोजीशन में बॉटल रखी हुई है, उतने ही एरिया में आपको कलर का यूज़ करना है। उसके बाद जब ये ड्राई हो जाए 15 मिनट्स बाद, उसके बाद आप उसको टर्न करके
कलर कर सकते हैं। हमारा कलरिंग वर्क कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इसमें अंदर लाइट फिक्स करनी है, तो लाइट मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी यूज़ करते हैं बॉटल में। तो देखिए कुछ इस तरीके की लाइट आती है, ये आ जाती है फेरी लाइट्स और इसको कॉक लाइट भी बोला जाता है। मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाके इसको बाय कर सकते हैं। जो ये लाइट होती हैं वो बॉटल के लिए ही यूज़ होती हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको लाइट इसमें फिक्स करनी है। अब मैं लाइट ओपन करके दिखा देता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से लुक आता है और काफ़ी बढ़िया लुक आ रहा है। इस तरीके से आप अपनी बॉटल्स को इस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं और अपने होम में, ऑफिस में इस तरीके से आप डेकोरेशन के लिए रख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि मैं इस तरीके की वीडियोज़ आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।